साइबर बुलिंग का कई लोग आज तक शिकार बने हैं। बड़े बड़े पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस एंड मूवी एक्टर्स को भी इस सब में कभी भी पीछे नहीं छोड़ा गया। बहुत सारे लोग इनका नंबर कहीं ना कहीं रिवील कर देते हैं, जिसके चलते इन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। अब टीवी के इस पॉपुलर एक्ट्रेस का नंबर हो गया है लीक और बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीजें करने पड़ रही है उन्हें फेस। आखिर क्या हुआ है उनके साथ और क्या ली है उन्होंने एक्शन, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ फीफा फूज के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तेरा यार हूं मैं की वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस विभूति ठाकुर का फोन नंबर हो गया है लीक और लीक होने के बाद उन्हें बहुत सारे चीजों का करना पड़ रहा है सामना। रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट जो है शेयर करी है। आखिर उनका प्रोफाइल पे कैसा नंबर लीक हुआ है, किसने किया है, क्या किया है? कॉल एन हरासर एन आस्क फॉर सेक्स चैट एंड शिल फुलफिल ऑल योर फैंटेसी, इस तरीके से इनका जो मोबाइल नंबर है इनके नाम के साथ लीक किया गया। ये लिखकर कि आप उन्हें फ़ोन कीजिए, हरास कीजिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके उनसे मांगिए, वो आपके सारे सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करेंगी। बॉलीवुड फैपर 19 करके एक अकाउंट है जिन्होंने उनका नंबर लीक किया है, जिसके बारे में विभूति ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर शेयर किया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये वाला जो अकाउंट है उन्हें कर रहा है हरास। और अभी इसी के चलते उन्होंने साइबर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने का डिसाइड कर लिया है। पिछले कुछ घंटों से उन्हें बैक टू बैक फोन कॉल्स आ रहे थे जहां पे लोग उनसे सेक्सुअल डिजायर्स मांगते हुए, सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करते हुए मांग कर रहे थे, फिजिकल डिमांड्स हो रही थी और उन्हें इमोशनली मेंटली काफी हरास किया जा रहा था। स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि यह कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन बार बार लगातार कॉल्स आने के बाद वो डर गई और बार बार बस रोने लग गई अपने इस टॉर्चर को देख और सहन कर, इस हरासमेंट को सहन कर शी ब्रोक डाउन और उन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि साइबर पुलिस में जाके पुलिस कंप्लेन करे और जिसने भी ये किया हो उसके अगेंस्ट जो है डेफिनेटली सही सजा जो है साइबर पुलिस उन्हें दे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इस पोस्ट में डालकर बहुत सारी चीज़ें शेयर की है और यहाँ पे मुंबई पुलिस को, साइबर पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने ये भी मेंशन किया कि किस तरीके से उनका पर्सनल नंबर लीक हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें इमेंस इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, बुली हो रहा है उनके साथ, काफ़ी शेमफुल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें सहन करने के बाद फाइनली उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। और उन्हें इस अकाउंट के बारे में तब पता चला जब बार बार लोग उसे कॉल कर रहे थे, तब उसने एक पर्सन को बहुत ही मनाया और बहुत ही मिन्नती करने के बाद वो इंसान ने बताया कि ऐसे ऐसे एक अकाउंट है इंस्टाग्राम पे जिन्होंने आपका नंबर जो है लीक करा है। और उन्होंने वो अकाउंट देने के बाद ये अकाउंट विभूति तक पहुँचा और अब विभूति ने अपने साइड से पुलिस कंप्लेन तो रेज कर ली है। हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, साइबर पुलिस जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग दिस हीडियस क्राइम उन्हें अरेस्ट कर ले, उनके अगेंस्ट एक्शन ले एंड विभूति को मेंटल एंड पीसफुल जो एक फीलिंग है बहुत जल्द फील हो और ये डिस्ट्रेस से, ये स्ट्रेस से और प्रॉब्लम से वो बहुत जल्द निकले। और आपको क्या है इसके ऊपर कहना, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।